फायदे ये था हमारा टाइम पे काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, हम स्थानीय नजदीक नजदीक चले जाएंगे। अब जो बाहर के व्यक्ति हैं, यदि हम विकास की बात करें तो कैसा विकास इस दौर में रहा है और क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव हो सकता है? वोट किसी को बाहर के आगे वोट का क्या फायदा, आपने 10 साल दे ली, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अंकित कुमार पहुंचा हूं बिजलौर लोकसभा के पलड़ा गांव में। जानेंगे किस तरह से चुनाव को लेकर जनता के बीच माहौल है, क्या कुछ इस बार देखना चाहते हैं। बिजनौर लोकसभा के पिछले 25 सालों का जो सर्वेक्षण किया गया उसमें जांचा गया है कि क्षेत्र का स्थानीय कोई प्रत्याशी कभी सांसद नहीं बना, यदि बना भी है तो यदि बाहरी को ही वरीयता दी गई है। इस बार हम जानेंगे गांव के कैसे हालात है, क्या कुछ होने वाला है इस बार चुनाव में। हमने थोड़ा महफिल जमा रखी है, जानेंगे पूछते हैं। प्रधान जी हमारे बैठे वर्तमान प्रधान, बात करते हैं, चलिए देखते हैं। सर आपका नाम? गजेंद्र कुमार जी। प्रधान जी बताइए, इस बार 2024 का चुनाव आप किस नजर से देख रहे हैं? 2024 का चुनाव हम देखते हैं स्थानीय के स्तर, क्योंकि अब से पहले जितने भी एमपी बने सारे बाहरी व्यक्ति हैं। अच्छा, स्थानीय प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं? स्थानीय कोई भी पार्टी हो, स्थानीय हो जी, जिसके पास हम जाके अपनी समस्या रख सके। अच्छा, क्या कुछ फायदे स्थानीय व्यक्ति के प्रत्याशी और सांसद बनने से हो सकते हैं? फायदे ये था हमारा टाइम पे काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, हम स्थानीय नजदीक नजदीक चले जाएंगे। अब जो बाहर के व्यक्ति हैं उन्हें हम कहाँ देखते फिरेंगे। पिछली योजना में जो मुलुक नगर जी है 5 साल पूरे हो चुके उनके, अगर पता नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, यदि हम विकास की बात करें तो कैसा विकास इस दौर में रहा है और क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव हो सकता है? अभी अगर विकास की बात करें तो मुलुक नगर जी ने जो पिछले हमारे एमपी है उन्होंने कोई विकास के नाम पर हमारे गाँव में कोई सड़क की खड़ंजा कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा, कुछ रहा। अच्छा, मामला ही जीरो मामला है जी जी, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल विकास नहीं है। और जैसा कि मैं कहूं, यदि फिर से कोई बाहरी व्यक्ति आपके क्षेत्र में वोट की दरकार लेकर आपके दर पे आता है तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, आप उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या कुछ आप करना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, उसके लिए सम्मान पूरा है, पर स्थानीय स्थानीय होगा, वरी तक स्थानीय होती जाएगी, स्थानीय कोई पार्टी का हो उसे वरी तक। अच्छा, किसी भी पार्टी से हो, स्थानीय व्यक्ति हो, स्थानीय व्यक्ति हो किसी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कड़ी में भैया जी से बात करेंगे। भैया जी आपका नाम? जी अरुण कुमार। आपके क्या विचार है स्थानीय व्यक्ति के? हम तो प्रधान जी के साथ में वोट देते प्रधान जी कहते। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप क्या चाहेंगे यदि फिर से भारी व्यक्ति कोई वोट लेने के लिए आता है तो, और विकास को आप किस तरह से देखते हैं? विकास तो जी वही है जो विकास करवा उसके बहुत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चलते हैं अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी आपका नाम? जी बिल्कुल। आप बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, क्या कुछ आप इस बार बदलाव चाहते हैं? यही बदलाव चाहेंगे जो कि मतलब अपने आसपास का लोकल का जी 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 जो समस्या है जो लेकर भी जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो स्थानीय व्यक्ति के फायदे आप गिन रहे हैं शुरू में ही। बिल्कुल सही बात है। अब अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी आपका नाम? अच्छा, क्या आपके क्या विचार है? हम तो यही विचार है, हमारे तो सबके साथ, सबके साथ है। तो मैं आपसे प्रश्न करूं, आप जी जी, मैं आपसे प्रश्न करूं, आप किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं अपने नजरिए से? 2024 का लोकसभा चुनाव है, स्थानीय व्यक्ति को। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा, चाचा जी बैठे हमारे, चाचा जी आपका नाम बताइए? मेरा नाम ड्रिंक सिंह। अच्छा, आप किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को? देख रहे हैं स्थानीय व्यक्ति को, क्या कुछ फायदे हो सकते हैं स्थानीय व्यक्ति? सारा ही होगा। अच्छा, किसी टाइम जा सकते हैं, उसे मकान जा सकते हैं, अपने दूसरे स्थान पर बता सकते हैं उसे, वो हमारे मिलेंगे परसों मिलेंगे। अच्छा, फादर का बोर्ड जी। बिल्कुल। अच्छा दानी बताइए, जिस तरह से
चुनाव के बाद प्रत्याशी सांसद बनने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आते, तो क्या कुछ समस्याओं का आपको झेलनी पड़ी है इसके बीच? समस्या तो सारी समस्या प्रधान को झेलनी पड़ती है, क्या मुझसे पहले और ही प्रधान बने होंगे, उन्हें झेलनी पड़ती है समस्या। जो भी गांव के मेंबर है, जितनी भी संख्या है, वो सब प्रधान से कहेंगे विकास के लिए, प्रधान विकास कराएंगे, उनके पास जाएंगे, वे वहां मिलते नहीं घर पर अपने। तो बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति सांसद होने के बाद भी आवास पर नहीं मिलता, यदि किसी काम के लिए विकास के लिए हम लोग जाते हैं तो नहीं मिलते। तो इस बार जनता चाहती है कि बदलाव हो। हाँ जी, जनता चाहते बदलाव और हम चाहते हैं बदलाव। जी बिल्कुल। इधर हमारे एक अंकल और बैठे, इनसे बात करते हैं, जानेंगे इनके क्या विचार है। आप क्या कहना चाहेंगे साथ में? भैया बिजनौर सीट पर तो है जो 10 साल हो लिए हैं, 10 साल में किसी भी MP ने यार कोई विकास नहीं किया गाँव में, और आकर चल के और मुड़ के पीछे क्या हो रहा। तो इस बार बदलाव चाहते हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति हो, जीतता हो, वोट बाहर के आगे, वोट का क्या फायदा, हमने 10 साल दे ली बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। समस्या रही समस्या बाद गाँव का जो कोटा उनके उनके खाते में आता है, वो भी तो कुछ खर्च करते हैं गाँव में, उन्हें कुछ किसी ने कोई करा नहीं 10 साल बाद तक। और प्रधान कहाँ तक करेगा, प्रधान 5 लाख है उनका, मान कई करोड़ आगे खर्च कदर कहाँ पहुँचा जी रहा पैसे। तो विकास नहीं हुआ है, जीरो है विकास, तो जीरो विकास, जो भी MP आया तो सब जीरो है, दोनों। तो आपने सुन लिया है कि पिछले कितने भी वर्ष बीत चुके हैं विकास नहीं हुआ है, और पलड़ा गांव की जनता का भी यही आह्वान है कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को ही पार्टियां टिकट दें जो हमारे क्षेत्र का हो और सांसद बनकर हमारी समस्याओं का निवारण करें। इस बिजनौर के वो एपिसोड में इतना ही। मैं अंकित कुमार, कैमरामैन निशांत के साथ, धन्यवाद।